सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस मिलेंगी जो मैं अपडेट करता रहता हूँ, आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट है oesoffer.com, आपको उस वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसे वहाँ से भी जा सकते हैं oesoffer.com, और वहाँ पर आप जाकर आपको ये देखना है कि यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताई हुई हैं। इस पर रोज़ ट्रिक्स आती रहती हैं, फ्री रिचार्ज से लेके हर एक ट्रिक्स आती रहेगी। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे ये जो जियो आपको नज़र आ रहा है, ट्रिक टू जनरेट जियो बारकोड फॉर ऑल 2G 3G 4G डिवाइसेस, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक दूसरे पेज पे जाएंगे। आपको यहाँ से आके आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे आप जियो सिम पा सकते हैं। तो आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपको प्रूफ भी है कि जो मैंने 2G फ़ोन में जनरेट करा है उसके लिए मैंने आपको वीडियो भी दी है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, आपको क्या करना है, जो आपका ये सेट है 3G होना चाहिए, 2G होना चाहिए, 4G में तो वैसे भी आ ही जाता है। तो ये जो क्लिक हेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है और ओल्ड माई जियो की ऐप खुल के आएगी, ओल्ड माई जियो, क्योंकि न्यू प्ले स्टोर पे न्यू है, तो आप अगर वहाँ से करेंगे तो न्यू पे आपको बारकोड नहीं मिलेगा और ना ही आपको सिम मिलेगा। तो आपको इसी ऐप को अगर डाउनलोड करेंगे तभी आपको ये मिलेगा। तो आप oesoffer.com पे आएँ, वहाँ से ये क्लिक हेयर पे आप क्लिक करें, उसके बाद ये ऐप कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। आप इस पेज को यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, सिंपली इस पर क्लिक करें। डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद अब जब इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा बॉक्स पॉपअप नज़र आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा ये माई जियो, ये जो आप देख रहे हैं ये माई जियो, कुछ ऐसा नज़र आएगा। आपको ये इस तरह का नज़र आएगा, यहाँ पे देखेंगे ओपन, तो यहाँ पे ओपन करने पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो सिंपली आपको सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ये ऐसा नज़र आएगा। तो आपको इसकी सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी। आप जैसे सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये आपको सबसे बड़ी चीज़ बता रहे हैं जो सबको आपको ध्यान में रखना है कि आपका फ़ोन वाईफाई बंद होना चाहिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसे बंद करें और 2 से 3 मिनट के लिए अपने डेटा को यूज़ करें, और डेटा यूज़ करने के बाद मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। ये देखिए दोस्तों, इसमें सारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी हैं जियो की। तो अब हम ये अपने 3G फ़ोन में देखेंगे कि बारकोड जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए उसके लिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा डेटा ऑफ होना चाहिए। आप चाहे वाईफाई से इसे डाउनलोड करें हो, चाहे अपने सिम से करा हो, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका डेटा ऑफ हो। तो चलिए माई जियो में चलते हैं। आप जैसे देखिए, अगर माई जियो में जाके आप डेटा खोल के करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से स्क्रीन नज़र आएगी अपडेट की। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने आपको बैक जाना है और सबसे पहले डेटा को ऑफ़ करना है। मैंने ये अपने वाईफाई को बंद कर दिया। मैं अपने वाईफाई को बंद करके फिर से अपनी एप्लीकेशन खोलूँगा और ये ओपन करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे गेट जियो सिम का ऑप्शन आ रहा है। ये मेरा 3G फ़ोन है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये मेरा 3G है या फिर 4G है। तो मैं अपने नेटवर्क में जाके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि ये 4G सिम 4G सेट में मैंने निकाला है और मैं आपको 3G बता रहा हूँ। ये आप मोबाइल नेटवर्क में जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये मेरा फ़ोन 3G है या 4G है। तो आप देखिए WCDMA GSM ये 3G फ़ोन है और ये 4G फ़ोन नहीं है। मैं इस 3G फ़ोन में आपको 4G की ट्रिक बता रहा हूँ
जो कि आपको फ्री में सिम मिलेगा। तो आपको गेट जियो सिम में क्लिक करना है। लेकिन अब इस समय आपको क्या करना होगा, अपने डेटा को ऑन करना होगा। तो आप अपने डेटा को ऑन करें कुछ टाइम के लिए, वाईफाई को ऑफ करके डेटा ऑन करना है। मैंने डेटा ऑन करा और जैसे ही मेरा डेटा ऑन होगा यहाँ पे गेट जियो सिम के ऑप्शन में क्लिक करना है। अभी नेटवर्क नहीं है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन करना होगा, एग्री करना होगा। जैसे ही आप एग्री करते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेट करना है। आप अपनी स्टेट को चॉइस, जो भी स्टेट है आपकी, जैसे महाराष्ट्र, आपको स्टेट एक लेना है। मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट की। आपको सिलेक्ट सिटी करना है जहाँ पे आप सिम लेना चाह रहे हैं। तो मैं इसमें से औरंगाबाद को चूज़ करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। ये सब कंडीशन है आपकी, और इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये मेरा आप देखेंगे कि बारकोड जनरेट हो चुका है। तो आप इसको स्नैपशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट आप लेना ना बिल्कुल भूलें। स्क्रीनशॉट लेके आप नेक्स्ट करें। अब इसमें आपको ये बता रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रूफ, और क्या क्या आप इसमें लगा सकते हैं। तो आप ये सब आप अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी आप देख के उसमें से सेलेक्ट करें आपके जो भी आपके पास हो, और उसके बाद फिर से आप नेक्स्ट करें। ये आपकी लोकेशन बता रहा है कि आपकी लोकेशन पे ये कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप अपने मोबाइल में 3G मोबाइल में आप 4G जियो सिम पा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।